क्योंकि इसके कई जगह सिंधु से दूर भी मिले हैं कि बाकी जैसा देखा देखी रखा गया था लेकिन गलत था। और इन सभी से भी बड़ा शहर भारत में मिला, इन सभी से भी बेहतर फैसिलिटी इंडिया में मिला। अब सबके अपने अपने नियम कानून थे। हल्का सुन लीजिए, मेसोपोटामिया में भी कई जगह रहे हम्मुराबी, अब हम्मुराबी के कानून सही था बड़ा फेमस। हड़प्पा में हम लोग का नाली बड़ा फेमस, यहां जैसा नाली मिला उतना बढ़िया नाली किसी के यहां नहीं मिला। तो नाली अच्छा मिलना क्या बता रहा है कि हड़प्पावासी स्वास्थ्य और सफाई के प्रति एकदम सचेत थे। सोच लो आज हमारे भारत सरकार गांधी जी के चश्मा पर स्वच्छ भारत लिखती देखते हैं ना, लेकिन सरकार चश्मा में देखे होगी लेकिन लिखती क्या है, एक पर स्वच्छ, जिसपे स्वच्छ देखोगे उसमें भारत नहीं दिखता और जिसमें भारत देखोगे उसमें स्वच्छ नहीं दिखता। अरे दोनों एक में लिखेंगे तब ना स्वच्छ भारत होगा। ये हम लोग का सरकार जो हम चश्मा देखे तो देखे एक में स्वच्छ एक में भारत, अरे स्वच्छ से तो भारत नहीं दिख रहा और भारत से तो स्वच्छ नहीं दिख रहा, अभियान चल रहा है लेकिन गंदगी लग रही। तो हम लोग नाली एक छोटी सी घटना लेकिन हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या जरूरत है नाली बनाने, गांव में लोग नहीं रह रहा है, घर के आगे गड्ढा कर दिया अपना पानी गिरा रहा, समझो रोड पर जाएगा तो समझो नाली पर घर में रखेंगे, थोड़ा नाली बना रहा वो अपना तो मेल टीना लगाओ क्या करें। लेकिन इन लोग रोड के किनारे नाली बना रहे, पक्के ईंट के बना रहे, पत्थर से झट रहे, इतनी अच्छी व्यवस्था किसी के पास नहीं वर्ल्ड की बात करें समकालीन, तो कई बहुत बेहतर चीज देखेंगे। दुर्भाग्य से इनके बारे में जो भी चीज मिला लिखा हुआ भी मिला लेकिन हम लोग पढ़ नहीं पाए, इन लोग का जो चीज मिला वो सब पढ़ा गया। और इन लोग के पढ़ने में हम लोग देखे कि इन लोग के लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोग मेरे यहाँ आते थे। और धीरे धीरे गंभीर बात चलेगा बीपीएससी लेवल का। यहाँ मेसोपोटामिया में एक जगह है अक्कद और अक्कद के शासक थे सरगोन, और सरगोन ने अपने अभिलेख में लिखा कि मेरे यहाँ दिलमन माकन और मेलुहा के व्यापारी लंगर डालते। अच्छा लंगर समझते हो, लंगर मतलब जो गेस करो खाने पीने वाला भोज, तो ये भोज वाला लंगर नहीं है, ये लोग तो एकदम लग गया भोजन के फिर में। नाव वगैरह में जो झग्गर होता है वो जहां लगाते हैं उसको लंगर कहते हैं। इन्होंने कहा कि दिलमन माकन और मेलुहा के व्यापारी मेरे यहाँ लंगर डालते, मतलब मेरे यहाँ जहाज रोकते, और मेलुहा की पहचान हड़प्पा से हुई है। तो कई बार ये भी पूछा है कि इसमें हड़प्पा कौन है और दिलमन माकन मेलुहा ये सब चॉइस में रहेगा। देखो जब लेवल पे जाओगे ना तो उन्हें माकन मेलुहा सब भेज दोगे, और जब मेलुहा का नाम सुनोगे तो कहोगे वो समझ गए मेसोपोटामिया सभ्यता के वहां अक्कद के शासक सरगोन का ये स्टेटमेंट। और इससे पता चलता है कि दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध रहे। और भी इनके कई इनके मुहर बेलनाकार, इनके मुहर आयताकार, इसके मुहर यहां मिलेंगे और इसके मुहर वहां मिलेंगे। पुष्ट करता है कि दोनों के बीच गहरे व्यापारिक संबंध। जब आर्थिक जीवन पढ़ेंगे तब चलेंगे, अभी दुर्भाग्य क्या है इनके लिखा हुआ हम लोग नहीं पढ़ पाए। तो जब लिखा हुआ नहीं पढ़ पाए तब इसकी पूरी कहानी सिर्फ जो यहां सामग्री प्राप्त हुआ है उत्खनन से उस पे आधारित है। और इसीलिए इस लेसन में कहां से कौन सामग्री मिला ये आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि इतिहास लिखने में दो चीजें, लिखा हुआ मिल जाए तो अच्छी बात, और नहीं तो पुरातत्व इंपॉर्टेंट। अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, कौन साबुन से स्नान करते हैं और कौन पेस्ट से मुंह धोते हैं, इसके लिए अगर कहीं अखबार में निकल जाए कि हाँ देखिए नीतीश जी इस से धोते हैं और इस साबुन लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर साहित्यिक स्रोत नहीं मिल रहा तो हम लोग पुरातात्विक स्रोत पर ध्यान देंगे कि नीतीश जी का कचरा कौन उठाता है और कहाँ फेंकता है। और कचरों पर जब ध्यान देंगे एक डेढ़ महीना तो पता चल जाएगा कि क्रीम भी लगाते हैं कि नहीं, तो जो लगाएंगे उसका कचरा तो आएगा ना बाहर। तो हम लोग पुरातात्विक अवशेष से बता देंगे कि हाँ क्रीम है कि नहीं, आज साबुन है कि नहीं, और क्या क्या यूज करते हैं, पूरा चीज पुरातत्व सब बता देता है। तो इनके पुरातात्विक अवशेष पर हम लोग इनकी सब बात जान गए, कैसे थे, क्या थे, पुरुष दाढ़ी रखते थे कि नहीं, महिलाएं गहना जेवर पहनती थी कि नहीं, पाउडर क्रीम मारती थी कि नहीं, लिपस्टिक यूज करती थी कि नहीं, हम लोग सब इसमें पढ़ेंगे। बात ध्यान दीजिए, अगर पाउडर क्रीम लिपस्टिक की बात भी चलेगी तो आप समझ लोगे कि वो हड़प्पावासी की जो महिलाएं थी वो सुंदरता के प्रति एकदम सचेत थी, बात ध्यान रखना है। तो अब यहां पे बात देखेंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा, सब चीज था। अब पुरुष दाढ़ी रखते थे कि नहीं कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन कैसे जान गए, क्योंकि व्यक्ति जो चित्र बनाता है वो जैसा रहता है वैसा ही बनाता है। आपके घर में दादी का फोटो, दादा का फोटो, किसी का फोटो टंगा हुआ है, कैसा फोटो है, जो यूज करते थे वही फोटो है। तो वहां दाढ़ी वाले पुरुष मोहन जोदड़ो से मिले मूर्ति में, इसका मतलब वो कटिंग सटिंग दाढ़ी का चलता था, लंबी दाढ़ी नहीं है कटिंग सटिंग वाला है, तो आपको वो सब डिजाइन दिखाएंगे। अच्छा ये लोग म्यूजिक वगैरह बजाते होंगे कि नहीं, तो लिखा हुआ तो कहीं नहीं मिला, लेकिन हम लोग देखेंगे कहां से कि नर्तकी मिली, तो कोई ऐसे ही नाचेगी, म्यूजिक चल रहा होगा, हम लोग सब अंदाज करेंगे अनुमान करेंगे, नाच रही है तो सब है। देखो धीरे धीरे सब सामान जो मिलेगा, पहला ड्यूटी क्या होगा जगह, दूसरा ड्यूटी होगा मिला क्या, और तीसरा ड्यूटी होगा हम लोग इतिहासकार बनके उसको खींचेंगे कि ई मिला है तो स्थिति क्या रहा हो। बस ये तीनों चीज जहां करेंगे लगेगा कि चैप्टर तो बड़ा अच्छा हो गया। अब हम लोग यहां पे ये बात समझ गए तो अब यहां से आप इसकी तीन नाम सीखे। पहला नाम सिंधु घाटी सभ्यता, लेकिन ये नाम अधिक उचित नहीं है, क्यों नहीं है ये भी लाइन क्लियर सबका। दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नाम क्यों पड़ा, सबसे पहला उत्खनन हड़प्पा में हुआ, क्लियर सबका। तीसरा नाम क्या है, मेलुहा, ये वाला मेन ध्यान रखना, नहीं तो मेलुहा देता है तो कई लड़के बड़ा गड़बड़ करने लगते हैं। मेलुहा से पहचान किसकी हुई है, हड़प्पा से। अब यहाँ पे अभी जो सबसे प्रमुख कार्य है आज के क्लास में, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आज सभी लोगों को जगह मानचित्र पर आ जाना चाहिए, इतिहास लिखना बहुत नहीं है, नक्शा पर दिमाग में बैठा। हमारा पूरे क्लास ज्योग्राफी हिस्ट्री मैप बेस्ड होता है, नक्शा पे ही चलते, लिखा हुआ कम है लेकिन जो है केवल दिमाग में बैठ गया तो सब चीज का आंसर। और इसीलिए मानचित्र पर अभी हम चलेंगे और उस पर जो लड़के ध्यान देंगे उम्मीद है कि उनको सब चीज याद होते चला जाएगा। तो चलो देखिए ठीक से, सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक भारत के मानचित्र, अभी कुछ नहीं आपको करना है, आपको केवल अभी सुनना है
और सुनने के बाद हमें मजा आएगा, बोर्ड पर हम बुलाएंगे। बात समझ लीजिए, बोर्ड पर बुलाने के बाद जिससे डरते हो हम सब वही काम करवाते हैं शुरू में। अभी सब लोग को नक्शा से सबसे बड़ा डर है कि नक्शा नहीं, हम उसी से बोहनी करते हैं। देख लीजिए अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों बनाए। यहाँ पे अभी आपको वर्क क्या करना है, यहीं पे एक नदी है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु की बात तो जानते हैं, सिंधु के कितनी सहायक, पांच सहायक, कितने हैं पांच। जब अगर हम बाहर से लाएंगे तो एक बाहर से आ गई, एक यहां से जो निकलता है ये सबसे लंबी नदी है, और सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी चिनाब है। ये जो निकला चंद्रा और भागा इसका नाम क्या है, चिनाब। यहां से निकला तो ये है झेलम, बोलो इसका नाम क्या है, झेलम, झेलम चिनाब। इसके बाद जो चलेंगे ये है रावी, इस नदी का नाम क्या है, रावी। और इसके बाद जो हम चले ये आपका है ब्यास, और इसका नाम है सतलज। इसका नाम क्या हो गया, सतलज। सुनते जाइए, ध्यान देना है आपको, धीरे धीरे याद होगा, झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज सब ठीक हो जाएगा। अभी केवल हम चाह रहे हैं इसमें सेट करना है। देखो ये जो बेल्ट आप देख रहे हो इसी बेल्ट का नाम है सिंध, सिंध बेल्ट। आप गाते हो पंजाब सिंध गुजरात मराठा, तो इस सिंध पाकिस्तान में, सिंध इंडिया में नहीं। एक बार एक आदमी कहा भी, आपत्ति किया कि सर ये वाला चेंज होना चाहिए हमारा राष्ट्रगान, क्या पंजाब कश्मीर गुजरात मराठा द्रविड़ उत्तर बंग, ये सिंध के कहे हम जय है जय है जय है करेंगे, अंतिम में तो जय जय है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बहुत कस के उस व्यक्ति को डांटा कि सिंध भी कभी भारत का हिस्सा था, और यहाँ के कई व्यक्ति भारत आए वो सिंधी, जब वो भारत में अभी रहते हैं और पंजाब सिंध करते हैं तो उनको पूर्वजों की याद ताजा होती है, उनकी विजय होती है, हम लोग पाकिस्तानी की जय थोड़े करते हैं। तो सिंध कहाँ है, पाकिस्तान में। जब हम सिंध बोलेंगे तो समझना कि वो सिंधु का जो भाग है वो पाकिस्तान में सिंध कहलाता है। देखिए एक बात बताएं, पाकिस्तान तो आप लोग नाम जानते हो, पाकिस्तान नाम देने वाला जो लड़का था उसका नाम था रहमत अली। ये रहमत अली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट, और इसने एक सोच रखा कि मुस्लिमों के लिए एक क्षेत्र मिले, क्या, तो उसने कहा कि पंजाब कश्मीर सिंध और बलूचिस्तान, ये डिमांड है कि हमको क्या चाहिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का लड़का बैठ के डिमांड बनाए, पाकिस्तान में पाकिस्तान ही सब कुछ नहीं, ये डिमांड है कि हमको चाहिए क्या। उसने कहा कि मुस्लिमों को अलग करना है तो पूरा पंजाब दे दो, पंजाब भारत में भी है पाकिस्तान में भी है, पूरा पंजाब दे दो, ये पंजाब का बेल्ट। उसने कहा कि हमको कश्मीर दे दो, पूरा कश्मीर दे दो, हमको सिंध दे दो, ये पूरा बेल्ट सिंध दे दो, और यही है नीचे वाला एक बलूचिस्तान। कभी भी हम यहाँ पे कुछ बनाएंगे तो आपको बोलेंगे क्या है, बलूचिस्तान। ऐसा क्यों समझा रहा है, डीप लेवल का क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थान, सिंध क्षेत्र में नहीं, और उसमें चॉइस तुमको देगा हड़प्पा मोहनजोदड़ो आमरी चालहोदड़ो। अब लड़के जो बेचारे ऐसे ही छोटा मोटा पढ़ा है उसके सब रेंज से बाहर की बात। हाँ, जो लड़का नक्शा पर इसको पढ़ रहा ऐसे लिखाएंगे तो कभी याद नहीं होगा। हाँ, मानचित्र पर पढ़ोगे, यहाँ कुछ भी बनाएंगे तो तुम कहना कि वो बलूचिस्तान, यहाँ बनाएंगे सिंध है, यहाँ बनाएंगे पंजाब है। अब ये डिमांड को रख दिया, जब हम लोग को पाकिस्तान देने की बात आई तो हम लोग कहे कि तुमको पूरा पंजाब देंगे तो पंजाबी कहाँ रहेगा, पंजाब में पंजाबी ज्यादा थे, तो हम लोग कंप्रोमाइज किए, आधा पंजाब दे दिए आधा रख लिए, पंजाबी को कहे कि इधर आ जा, और जो उधर से आया उनको दिल्ली वगैरह के क्षेत्र में हम लोग उनको सहारा दी, इसलिए पंजाब और दिल्ली के क्षेत्र में पंजाबी सरदार जी ज्यादा मिलेंगे। और ये बेल्ट पंजाब का पाकिस्तान में है, ये बेल्ट पंजाब का इंडिया में है। और हम लोग कश्मीर कहे कि नहीं देंगे, सिंध ले जाओ पूरा, बलूचिस्तान ले जाओ पूरा, किया हल्ला उन लोग कि एक तो आधा पंजाब छाड़ दिए और दूसरा कश्मीर छाड़ दिए, ये सब कहा गया। तो हम लोग कहे कोई बात नहीं, जो लो एरिया कश्मीर का और पंजाब का, ये दोनों से ज्यादा ले लो, ये पाकिस्तान तुम्हारा भी होगा, बांग्लादेश भी हम लोग उन दोनों को जोड़ के यहाँ पे दिए, तो हम लोग एरिया में उसको फिट कर दिए। वो कहा कि हाँ तब ठीक है, एरिया मिल गया तो फिट फट हो गया, तो बहुत चीज मिलेगा दीवार का घर। अब जो बटेगा सीमा होगा तो वही होगा ना, जो तुम्हारा घर यहाँ पड़ गया अब उस सीमा बॉर्डर बन गया तो हो गया कि इसको ये वाला जो है उधर हो गया, हो सकता है तुम्हारा किचन रूम इंडिया में आ गया, मकान उधर चला गया, हो सकता है। ये कौन बड़ी चीज है, पहले से तो ये पता नहीं था ना कि भारत पाकिस्तान है, तो हो सकता है। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान से सुनेंगे, अब देखिए ये चीज हमने आपको अंदर जान के किया कि आपको पंजाब सिंध बलूचिस्तान ये सभी के बारे में हल्का कंसेप्ट आना चाहिए। क्या कंसेप्ट क्लियर है सबका? अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए बात को, जो अब मिला जगह, इन जगहों में जो सबसे पहले हम लोग उत्खनन किए उसका नाम क्या था, हड़प्पा। ये यही रावी नदी के किनारे ये हड़प्पा था। देखो एक बार जो बच्चे मानचित्र में बनाने लगोगे उस बच्चे को नदी रटना नहीं पड़ेगा। कई लड़का को नदी उदी पता नहीं हो, बेचारा हड़प्पा रावी हड़प्पा रावी हड़प्पा रावी, और फिर निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है सेट बना के रट रहा। तो तुम ऐसे ही मानचित्र बनाओगे तो इंडिया में है कि इंडिया से बाहर है ऐसे ही पता चल जाएगा, इसमें रटने की कौन सी बात। ये अभी हम सब बनाएंगे और देखना, सब मिटा के किसी को बुलाएंगे तो एकदम फुल एल्टीना धरे, अभी डरवाएंगे आप, तुम लोग अभी डर रहा है ना, फुल एल्टीना धरे। तो पहले जल्दी बताओ हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे। हड़प्पा इंडिया में है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सिंध में कि बलूचिस्तान में, सिंध पंजाब में। अभी ना सिखाए थे, गजब आंसर देता है जी तुम, एकदम ध्यान में रखेगा। अभी ना समझाए थे कि ए पाकिस्तान के पंजाब, क्लियर सबका। अब देखो इसी से 483 किलोमीटर की दूरी पर अभी हमने बताया ये दूसरा जगह का उत्खनन हुआ, इसी का नाम है मोहनजोदड़ो। इस जगह का नाम क्या हो गया, मोहनजोदड़ो। अब आपसे पूछा जाएगा, कोई लड़का सोचो इसको भी रटता है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, अब वो कहता है कि जा ये वाला नहीं याद है, लोथल वाला खाली याद, याद करने का चीज है जी, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के किस प्रांत में, सिंध प्रांत में।
बोलो क्लियर है सबका। कई लड़का इसको भी रटता है, पंजाब में है, हड़प्पा सिंध में है, मोहनजोदड़ो, आपकी परीक्षा में जा रटे तो थे, गायब हो गए। जब तक इस पर नहीं बनाएगा गायब हो नहीं जाएगा, इस पर बन जाएगा एकदम, देखोगे परमानेंट हो गया, कभी नहीं गायब हो। इसके बाद हम लोग देखें मोहनजोदड़ो के बाद यहां है आमरी, यहां है कोट दीजी, यहां एक जगह है चान हुदड़ो। अब सुन लो कितना वीआईपी स्टेटमेंट हो गया, कोई तुमसे पूछता है कि बोलो हड़प्पा कौन नदी के किनारे है, तो कहना कि इतना सड़ा हुआ पूछ रहा है, तुम बताओ चान हुदड़ो कौन नदी के किनारे। अब सोचो उसको नहीं याद होगा जो रटुआ वाला है, उसको कहना कि आमरी बोलो, कुट दीजी बोलो, ये सब कौन नदी के किनारे है, कहेगा कुट दीजी आमरी तो हम पढ़े ही नहीं है, तुम कहना सब सिंध प्रदेश में सिंधु नदी, टीक मारो काम क्लियर हो। बोलो नदी क्लियर हो रहा है सबका ना, वो ऑटोमेटिक सब क्लियर होते जाएगा, इसमें कुछ रटना ही नहीं। और इसके बाद ये सभी किस प्रांत में, सिंध में। क्वेश्चन देगा कौन सिंध में नहीं है, चान हुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। अभी तो एकदम टनाटन है, ये सब हटेगा तब चलेगा। बोलिए क्लियर सबका। अब इसके बाद जब धीरे धीरे हम लोग उत्खनन किए तो एक जगह यहाँ पे मिला चिनाब के किनारे जम्मू कश्मीर, और इससे ऊपर फिर कोई जगह नहीं मिला, और इसी जगह का नाम है मांडा। और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता के सबसे उत्तर में कौन है, मांडा। इससे ऊपर कोई नहीं, हड़प्पा तो नीचे। देखो धीरे धीरे चौहद्दी भी लॉक हो जाए, जब कहेंगे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, खाली तुम देखोगे कहोगे कि जी सब क्लियर, पूरब आलमगीरपुर, पश्चिम में सुत्तागंड, उत्तर मांडा, दक्षिण दैनाबाद, एकदम नक्शा पे ठीक होना चाहिए, और तब अपने आप ठीक हो गया। देखिए उत्तर में कौन है, मांडा। मांडा किस नदी के किनारे, चिनाब नदी। मांडा किस राज्य में, क्वेश्चन एक बार दिया है, कौन भारत में स्थित है, चानहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मांडा। हाँ ये तो अभी देख रहे हो, इसीलिए ये तो परीक्षा में इस समय लड़का बड़ा टेंशन में आता है कि कौन भारत में स्थित है, ये तो हम सेट में नया देख ही रहे हैं, तो अब तो हम समझते हैं, तो लाइन क्लियर सबका। चलो अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पे पंजाब में एक जगह है, इसका नाम है रोपड़। पंजाब में जगह कौन है, रोपड़। और दो जगह हरियाणा में है, एक जगह का नाम है बनवाली और दूसरा जगह का नाम है राखीगढ़ी। बनवाली और राखीगढ़ी की कहां है, हरियाणा। राज्य वाइज एकदम ठीक चाहिए, पंजाब में कौन, हरियाणा में कौन, भारत में कौन, एकदम फिट होना चाहिए, असब हो जाएगा। अगला नंबर राजस्थान में एक जगह है कालीबंगा, राजस्थान में जगह कौन है, कालीबंगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब मेन महाराष्ट्र में एक जगह है दैमाबाद, महाराष्ट्र में जगह कौन हो गया, दैमाबाद। और दैमाबाद से नीचे कोई जगह नहीं मिला, ये सबसे दक्षिण जगह पूछा जाएगा, सबसे उत्तर मांडा, सबसे दक्षिण दैमाबाद, उत्तर मांडा, दक्षिण दैमाबाद। सबसे ज्यादा स्थल गुजरात में मिला, कई बार ये भी पूछा हुआ है कि हड़प्पा के अधिक स्थल किस राज्य में मिले, अब उसमें अगर राज्य देगा तो सबसे ज्यादा कहां मिला, गुजरात। गुजरात में यही जो आप देख रहे हो, यहां पे एक जगह मिला, यह है लोथल, ये जगह कौन है, लोथल। इसके बाद है देसलपुर, इसके बाद है रोजदी, इसके बाद है सुरकोटदा, एक और है इंपॉर्टेंट धौलावीरा। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है, कारण ये पूरे जगह में विश्व विरासत सूची में इसका नाम आ रहा है। देखो कभी कभी करंट अफेयर से भी जोड़ना होता है, हिस्ट्री में जगह खूब है, लेकिन कभी कभी कोई जगह से क्वेश्चन खूब आएगा। आजकल जो क्वेश्चन आएगा हड़प्पा का उत्खनन कौन किया, नहीं आएगा। आजकल जो क्वेश्चन आएगा धौलावीरा का उत्खनन कौन किया, कब किया, कारण ये अभी एकदम करंट फेज में चल, तो करंट फेज जब तक नहीं जोड़ोगे तो पढ़े रहोगे 1921 में हड़प्पा, 22 में मोहनजोदड़ो और राखलदास और दयाराम साहनी, वो सब पूछेगा ही नहीं, कहेगा कि बोलो धौलावीरा का कौन की। अब लड़का लगा उछलने की, इतना धौलावीरा तक के सब के रटेंगे, नहीं, ये इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है इसलिए याद करना पड़ेगा। तो अब हम लोग तो धीरे धीरे उत्खनन पे भी आएंगे। अब इसके बाद हम लोग चले, ये कौन सा क्षेत्र है, बलूचिस्तान। अब इस बलूचिस्तान में भी कुछ जगह आपको ध्यान रखना है, इसका नाम है सुतका गेंडोर, सुतका कोह, बालाकोट, थारो, ये सब जगह बलूचिस्तान में। जो लड़के पहली बार नाम सुन रहे हो घबराना नहीं, धीरे धीरे आएगा। अभी कई लड़का बालाकोट, थारो, ये सब पहली बार नाम सुन रहा हो तो धीरे धीरे, इसमें करीब 50 जगह याद करना पड़ता है, लेकिन हम एक दिन नहीं देंगे कि अनपच होने लगेगा, धीरे धीरे पचाना। एक जगह और बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो इधर उत्तर प्रदेश की ओर इन लोग नहीं गए, इन लोग का जो डेवलपमेंट है मेन इधर ही डेवलपमेंट, लेकिन फिर भी गंगा नदी यहां से और इसकी सहायक यमुना, और यमुना की एक सहायक नदी है हिंडन, आज भी यमुना की सहायक हिंडन है, और गंगा यमुना के द्वाब में यूपी में एक जगह मिला है जिसका नाम है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे। बस हो गया। अब अभी पहले सुन लीजिए, हड़प्पा के सबसे उत्तर कौन, मांडा, सबसे दक्षिण दैमाबाद, सबसे पूरब आलमगीरपुर, सबसे पश्चिम सुतका गेंडोर। चौहद्दी पहले ठीक हो गया, मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर, आलमगीरपुर, सुतका गेंडोर। अब सुनिए हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा, अब हम लोग यहां से इनको पकड़ लें और यहां पे घूम लें और ला के बंद कर दें तो कहेंगे वो यही सब रह रहा था त्रिभुजा का। देखिए कई लड़का इसी को रट्टा मारते रहता है, लेकिन हम लोग सब मानचित्र में देख रहे हैं। बोलो ये एरिया कम है कि बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इंडिया से पाकिस्तान तक,
इसीलिए इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर एक्यूरेट 12996 मोबाइल नंबर इनका, बात ध्यान रखना एक्यूरेट में है 12996, लेकिन हम लोग लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसको हम लोग कहते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, 13 लाख ही मेन ठीक रहेगा आपका। अब यहाँ पे जो स्टेप है उसको सुनेंगे, क्योंकि अब वहां से हम आपको क्वेश्चन देंगे। पहले ये तो हम कॉम्प्लेक्स रूप में कर दिए, अब धीरे धीरे हम चाहते हैं आपको याद हो जाए, क्योंकि एक झलक भी आपको दिखवाना होता है कि सब जगह देख लीजिए और फिर सब जगह गायब कर रहे हैं, और आपको बोर्ड पर बुला बुला के चेक करवाएंगे एल्टीना पकड़ रहा है कि नहीं। हम सब ताजा ताजा सब ये सब बस आ गया माने खत्म हो गया, एकदम सेम क्लास में ये सब याद हो जाना चाहिए। देखिए अभी हो जाएगा, अभी कई लोग परेशान होगा कि सर याद होने के बाद ही वाला पागल हो जाएंगे, लेकिन याद नहीं हो। हाँ कई लोग ये सब एल्टीना में बैठा रहता है, लेकिन अभी देखना कैसे सब फिट हो जाएगा। चलिए जरा ध्यान दिया जाए। देखो हम हमारे पास दो ऑप्शन था, एक तो था कि रेडीमेड नेट से कोई मैप निकालते लगा देते, लेकिन वो तुमको फायदा नहीं करता, वो केवल सिलेबस खींचने वाला, सब जगह लिखा रहता देखो जी यहाँ है यहाँ है, तुम भी दुख इसका समझते रहता कि जब सरे जी के नहीं याद होता हमारा का याद होता, छोड़ दे। लेकिन इसमें धीरे धीरे लगेगा कि नहीं कठिन नहीं है, याद हो जाएगा, और इसी स्टेप को मेन आपको पकड़ना होगा। तो चलिए देखिए अभी सबसे पहले हम कर रहे हैं एक एक जगह से, देखते हैं कितने बच्चे एकदम फिट है कि हाँ सर एकदम याद हो गया। हम अभी चेक करेंगे कौन पूरे का पूरे बोर्ड पर वर्क कर सकते हो, और तुमको दिखाएंगे कि कुछ बच्चे देखो इतना अच्छा वर्क कर लिए और तुमसे भी हो सकता है। सुनिए पहले पहले जगह एकदम एक एक करके, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है चिनाब के पास मांडा, मांडा याद हो गया, चिनाब के पास मांडा। इसके बाद दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद, पहले चौहद्दी सबसे पहले ठीक करें, मांडा दैमाबाद, दक्षिण में दैमाबाद, उत्तर में मांडा, पूरब में आलमगीरपुर, पूरब में आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब में है। कई बार क्वेश्चन ये भी आता है गंगा यमुना दोआब में हड़प्पा कालीन स्थल है, तो टेक्निकल वर्ड है दोआब, दोआब का मतलब होता है जहां दो नदियां मिलती है उस बीच के भाग को दोआब कहते हैं, तो ये दोआब में है आपका। और सबसे पश्चिम में सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर, पहले ये बताओ चौहद्दी क्लियर है, उत्तर मांडा, दक्षिण दैमाबाद, पूरब आलमगीरपुर, पश्चिम सुतका गेंडोर। अभी ये मिटा के चारों चेक कर लेंगे, ये तो बता देगा ना, उत्तर बोलो मांडा, दक्षिण दक्षिण दैमाबाद, पूरब आलमगीरपुर, पश्चिम सत्यागढ़, क्लियर सबका। अब सुनिए रावी नदी के किनारे हड़प्पा, बोलो रावी नदी के किनारे हड़प्पा, धीरे धीरे नदी भी आपको याद कराएंगे, आपको जैसे ही बोलेंगे, जो लड़के एकदम भूलते हो कि हड़प्पा कौन नदी के किनारे है, तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा कि सर अगर कभी हम रोए हैं तो पापा के कारण बड़ी कस के मारे हैं, रोवे वाला सिंध ध्यान रखें, कभी रोवे हैं तो पापा के कारण, तो परमानेंट ना है जी, हड़प्पा तो कहना कि वो पापा तो बड़ी रोवाते हैं भाई, रावी नदी ये रावी एकदम परमानेंट। तो बताओ हड़प्पा रावी क्लियर है, हड़प्पा भारत में कि पाकिस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान के किस प्रांत में, पंजाब प्रांत, एकदम फिट हो गया सब। चलिए अब सुनिए सिंध वाला, जरा ध्यान, सिंध वाला में एकदम आसान है, आपको थोड़ा सिंध बड़ा करते जाए जिससे थोड़ा सिंध पर आपका फोकस बढ़ जाए, पहले एकदम सिंध देखते जाइए एक एक करके। यहां पर अभी हम लोग देखे मोहनजोदड़ो, ये कौन सा है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद देखे चानहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, आमरी, और आमरी के बाद कोटदीसी, कोटदीसी, ध्यान दीजिए कोटदीसी। चलिए सुन लीजिए फिर से, मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, आमरी, कोटदीसी, कोटदीसी, ये कौन सा बेल्ट, सिंध, सिंध है। जब हम तुमको कहेंगे सिंध है तो आप कहना वो पंजाब सिंध है, सिंध है ना जी। अच्छा जनगण में कितने नदी का नाम, परीक्षा में आजकल वही सब पूछता है, बैठ के 52 सेकंड के जनगण अंदर अंदर गाने लगोगे, परीक्षक आजकल बड़ा तेज हो गया, अब रविंद्र बाबू के नाम नहीं पूछता है, राष्ट्रगान कौन बनाया तो रविंद्र बाबू मारेगा, अब पूछेगा कि बताओ जनगण में कितने नदी का वर्णन, अब जितना सोच रहा वही सब चॉइस है, चलो उस अंदर से जोड़ना तुम, पहले अभी ध्यान दो। तो सिंध प्रांत में सुनेंगे जरा बढ़िया से, सिंध प्रांत में कौन कौन है, मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, आमरी, कोटदीसी, मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, आमरी, कोटदीसी, आमरी, कोटदीसी, क्लियर है, आमरी के बाद कोटदीसी, ध्यान दीजिए फिर से, मोहनजोदड़ो, चानहुदड़ो, आमरी, कोटदीसी, ये कहां स्थित, सिंध। आपको ध्यान रखना है कि जो सिंध के आदमी है ना, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, वो सिंध के आदमी जो है, तुम लोग आम का कुच्चा और अचार दोनों खाया हो, तो आपको ध्यान रखना है कि जिस सिंध में आम के कुच्चा बड़ा जबरदस्त चलता है, अचार नहीं कुछ दिए तो कुच्चा हो, छोड़ दिए तो आम का कुच्चा, आ से जल्दी बोलो आमरी, म से मोहनजोदड़ो, क से कोटदीसी, अच्छा से चानहुदड़ो, बस आम का कुच्चा दिमाग में रखना तो सिंध खत्म हो जाए। अरे तो खाए पिए वाला आइटम तुम लोग ऐसे याद रहेगा, जब कहेंगे सिंध कहना वो आम का कुचा, आमरी, मोहनजोदड़ो, कोटदीसी, चानहुदड़ो। अब बताओ हम धीरे धीरे सब हटाएंगे और फिर पूछेंगे कौन सिंध में स्थित है, तो आमरी, मोहनजोदड़ो, कोटदीसी, चानहुदड़ो, अभी ना है सब सब गायब करके फिर क्वेश्चन आता है कौन सिंध में है। चॉइस ए बनवाली, बी सुरकोटदा, सी चानहुदड़ो। देखो अल्टीना पकड़ रहा, यही अल्टीना पकड़ना चाहिए, ये पकड़ रहा है तो बीपीएससी वाला बनेगा, क्योंकि एक से ज्यादा जगह भी हो सकता है,
बोलो ये क्लियर है सर ना, इसमें रेंज एकदम धरना चाहिए। हाँ सर सिंध बोल रहे हैं, तुम समझ गए, आमरी मोहनजोदड़ो कोट दीजिए चांद होते खत्म हो, बोलो क्लियर सबका। अब हम लोग थोड़ा पंजाब पे आ जाए, हरियाणा पे आ जाए, धीरे धीरे जगह पे एकदम देखें। आजकल पंजाबी लोग बेचारे सब किसान आंदोलन में बहुत रोड पर रो रहे हैं, रो रहे हैं ना, तो जैसे ही कहेंगे रो रहे हैं तो कहना पंजाबी लोग रो पड़े, उनकी स्थिति देख के रो पड़े, रो पड़, ये कौन जगह है रोपड़, रोपड़ और रोपड़ के नजदीक कौन नदी है सतलज, पूछेगा रोपड़ किस नदी के किनारे है, कहना कि जी रो पड़े, तब इधर परेशान मत हो जाइए सो जाइए सतलज, एक तो ऐसे ही रो पड़े ऊपर से कितना दौड़ाएगा, तो जब कहेगा रो पड़े तो कहना कि सो जाइए सतलज। बोलो रोपड़ कहाँ है, पंजाब, रोपड़ कहाँ, पंजाब, रोपड़ पंजाब, क्लियर हो गया सबका। जैसे ही रो पड़े कहेगा तो कहना कि किसान बिल रो पड़े पंजाबी लोग, तो पंजाब मार दी, बोलिए क्लियर है। और नाम देखिए कितना बढ़िया है, बन वाली, बन वाली जंगल वाली, तो हरी भरी हरियाणा, अरे बन जंगल, जंगल माने हरा हरा, कभी भुलाने का चीज है, कभी कहेगा बन वाली कहेगा बन जंगल हरा हरा हरियाणा, पूछेगा निम्नलिखित में हरियाणा में है तो कहेगा वो बन वाली, बन वाली। और आपको बताओ बन वाली हरियाणा क्लियर है सबका, रोपड़ पंजाब एकदम क्लियर है, जैसे हड़प्पा कहेंगे तो पंजाब पाकिस्तान क्लियर है, सिंध प्रांत भी क्लियर, मांडा बोलो जल्दी से, जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, दैमाबाद महाराष्ट्र, दैमाबाद महाराष्ट्र, काली जी की जय जय करोगे तो राजा बन जाओगे, राजस्थान काली जी की जय, कालीबंगा, कालीबंगा, देखो धीरे धीरे समान भी तुमको क्लियर हो जाएगा। जब कहेंगे कालीबंगा से क्या मिला, कहना काली जी की जय स्वाहा अग्निकुंज, अग्निकुंड माने आग वाला कुंड, स्वाहा कहां करोगे तो काली जी के नाम से सर, काली जी की जय अग्निकुंड मिले, परीक्षा में पूछा कि अग्निकुंड मिला है, अब लड़के बेचारे जो रट रहे परेशान, जो तेज लेकर कहा अग्निकुंड स्वाहा काली जी जिंदाबाद, काली जी की जय मार दी, बोलो क्लियर है सबका ना। तो यहां से ध्यान देना है, काली जी की कृपा से एक और कृपा हुई, सब जगह खेत ऐसा ही है, यहां जूता हुआ खेत में, तुमसे पूछेगा जोतल खेत, हाँ जोतल घर बैठे, काली जी की जय, उन्हीं का सब कृपा, इनका कृपा बड़ा दुगो महान है, हम समझते हैं कभी भी पूछेगा जूता हुआ खेत काली जी की जय, अग्निकुंड स्वाहा काली जी की जय, धीरे धीरे सब समान, अगले दिन समान पे होगा, आज का केवल स्थान पे है, ये सबसे ज्यादा लोड है, स्थान ठीक तब समान ठीक, समान ठीक तब हिस्ट्री शुरू होगा हड़प्पा विश्लेषण, क्योंकि विश्लेषण समझ जाओगे तो क्लियर, ज्यादा चांस है स्थान और समान से ही क्वेश्चन आने, विश्लेषण तरफ ज्यादा नहीं ले जाता। और जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए, काली जी के नाम लोगे तो गरीब बनोगे कि राजा, राजा माने राजस्थान, हम सब हटा हटा के धीरे धीरे पूछेंगे और आपके दिमाग में देखिए बहुत अच्छा बैठते जा, अब जैसे बोलेंगे रोपड़ कहाँ है, बन वाली हरियाणा, चानहुदड़ो सिंध में, देखो कितना बढ़िया चल रहा है एकदम ठीक, और यही शुरू होने के पहले रहता कुट दीजी का, तो पता ना कौन सी दीजी कर रहे हैं, क्लियर नहीं क्या दिमाग में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब मेन गुजरात को ध्यान रखना, तो गुजरात में आपको मेन ध्यान रखना है लोथल, लोथल ये बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है, बंदरगाह है लोथल, जब तुमको कहेंगे लोथल तो आप कहना कि जी समझ गए, लोथ है बेचारा भोगिया भोग रहा है और नदी भी इनका ही भोगवा, तुमको कहेंगे लोथल कौन नदी है तो कहना कि जी लोथ है सर, भोगिया भोग रहा है भोगवा नदी, तो लोथल तो भोगवा किसी को याद रहेगा, पिछले बार दरोगा में क्वेश्चन आया और एक लड़की बताई कि सर हमको कुछ हिस्ट्री नहीं आता था और लोथल देखे तो याद यही वाला आया कि लोथ है भोगिया भोग रहा है, मार दिए सही हो गया, तो हमको लगा कि चलो एक कोई चीज दिमाग में है तो याद तो हो गया, तो चलिए लोथल गुजरात में, ये तो दिमाग में आ गया सबका। लोथल के बाद अगर हम चले तो इसमें आपको ध्यान रखना है रोजदी, रोजदी, रोजदी के बाद देसलपुर, रोजदी के बाद देसलपुर और देसलपुर के बाद धौलावीरा, जगह कौन है धौलावीरा, धौलावीरा, ये देखो दिमाग में पहले सेट करना, सुनो जरा आपको कहना है कि लोथल रोजदी देसलपुर धौलावीरा, आपको बस दिमाग में छोटा सा इमेजिनेशन रखना है, कल्पना करना है कि इंडिया है भाई, इंडिया है, यहाँ लोथ आदमी भी रोज रोज मेरे देश में दौड़ते रहता है, कोई साधारण देश नहीं है, बात समझ लो, लोथ आदमी भी रोज रोज देश में मेरा दौड़ते रहता है, तो धौलावीरा, ऐसा सुनेगा लोथ आदमी भी रोज रोज हमारे देश में दौड़ते रहता है, लोथल रोजदी देसलपुर और धौलावीरा, अब कभी भी पूछेगा देसलपुर, देश में लोथ आदमी भी हमारे देश में दौड़ते रहता है रोज रोज, तो रोजदी देसलपुर धौलावीरा और लोथल, बोलो क्लियर है सबका। अब इसको हटा रहे हैं, अभी केवल अब बलूचिस्तान बच रहा है, उसमें कुछ नहीं है, सुतका गेंडोर सुतका को बालाकोट थारो, वो अभी एक साथ चलेगा, पहले अभी अब हमको ये बता दो, नक्शा हटा रहे हैं, हमें तुम्हें बताना है पंजाब का जगह, चलिए बोलिए इंडिया की बात चल रही, पंजाब रोपड़, जल्दी बताइए जम्मू कश्मीर, बोलते चलो मानना, अभी यही सब लिखाएंगे तुमको, लिखने के पहले ही मैं घूमेगा तो वो फायदा करेगा, अन्यथा खाली पन्ना भरो अभियान है, कुछ नहीं होगा, तुमको यहाँ बोलेंगे तो तुमको अपने धरना चाहिए कि जम्मू कश्मीर मांडा, मांडा कौन नदी, चिनाब, मांडा सबसे उत्तर जगह, याद आया सबको, जल्दी बोलो यूपी में जगह, आलमगीरपुर, वेरी गुड, हरियाणा बन वाली और जंगल वाली से राखी बन वाले ना, राखी गढ़ी दुदुग है, बन वाली राखी गढ़ी, ये दोनों हरियाणा में, ध्यान दो, अब कई लड़के को एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि सर क्या हुआ ना, बन वाली जंगल वाली राखी बांधी तो हम रो पड़े, रो पड़े, तीनों एक जगह दिमाग में आ गया, बन वाली राखी गढ़ी रोपड़, क्लियर है सबका। चलो जल्दी से अगला नंबर बता दो, पाकिस्तान के पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में हड़प्पा, वेरी गुड,
गुजरात में लोथल, रोजदी, बिसलपुर, धौलागुड़ा, एकदम क्लियर सबका। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो, आमरी, कोटदीजी, चानहुदड़ो, आम के कुचा चलाना था रे। और जल्दी बोलो बलूचिस्तान में सुतका गेंडो, सुतका को, बालाकोट, थारो, ये जिसको याद है एक नंबर हो। अब कुछ भी घुमाएगा, कौन पंजाब में है, कौन भारत में है, कौन सिंध में है, अब तुमको सेट बनाने की जरूरत नहीं। तुम लोग पहले क्या करता था, रेडीमेड क्वेश्चन के रटता था, ये कौन पंजाब में है, रट जाकर सी है, पीछे वो पन्ना में लगाए हुए है कलम अठमा का, सी मारा रटा के कर सी। अब वो सब क्वेश्चन देखोगे तो लगेगा कि ये सब खेल करते थे, अब हम जिसको चाहेंगे उसको ठीक करते। अब तो तुम किसी को कहीं प्रांत करोगे तो जिसका मानचित्र नहीं है थोड़े हो, हाँ ये लिखा देंगे तो तुमको लगता है याद होगा, कभी नहीं होगा। जब तक मानचित्र नहीं देखेगा नहीं याद होगा, क्योंकि दिमाग एक्सेप्ट क्या करता है, हम इसी पर खास रिसर्च की, दिमाग तुम्हारा पिक्चर एक्सेप्ट करता है। उसको फोटो दिखाओगे तो कहेगा हाँ ठीक है, ई दिखाओगे तो कहेगा कि रट तुमको दो दिन में हम भुला के ठीक कर देते, रटेगा दो दिन में छोड़ जाएगा। बोलो क्लियर सबका। अब अभी इस जगह चीज को लिखना है, अगले दिन हम किसी को पूछे, अभी ताजा ताजा भी पूछ सके क्या, बता देगा। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखते हैं इंडिया के इस मानचित्र में लिखा हुआ सब हटा देंगे और आपको हम केवल चेक करेंगे ये सब हट गया, सब हट गया जी, और तुम्हें चेक करेंगे कि देखें बता पाते हो कि नहीं, ये सब गायब। अब देखो तो जी सब गायब हो गया, और किसी बच्चे को हम बोर्ड पर बुलाते हैं देख लो, और तब आपको कहें, हम देखो क्या करने जा रहे हैं, हम केवल आपसे पूछने जा रहे हैं, देख लीजिए अब सब गायब हो गए, सब गायब। अब हम कहेंगे कि अपना कलम केवल रखना है हड़प्पा, रावी नदी हड़प्पा रख देगा ना, चलो जी वहीं से उद्घाटन, आ जाओ जल्दी चले आओ फटाफट, सब अधिकारी बन गए, चेक भी तो कर रहे हैं, चलो जल्दी जल्दी चलो अपना हाथ केवल रख देना, जल्दी बताओ चानहुदड़ो कहाँ है, जल्दी यहाँ चलाओ चानहुदड़ो, वेरी गुड। एक और बता दो जल्दी से, अमर गया काम से, कालीबंगा है, कोई नहीं बोलो कालीबंगा कहाँ है, कहाँ कहाँ रखा, बाहर निकल गया, वो तो इंडिया से बाहर पाकिस्तान हो गया रे, तुम लोग इसको हत्या दिया है, तो आओ बढ़िया सोच, बढ़िया सोच, कालीबंगा, काली जी की जय, गुजर गई थी काली जी, काली जी की जय, कालीबंगा राजस्थान, राजस्थान बैठ जाइए, अच्छी बात है, देखो पता ही नहीं था राजस्थानी है ये, देखो इनसे पूछोगे कि क्या नाम है जी, कहेगा कि रस, रस हम है राजस्थान, देखो इधर अपने लिख ले, ऐसे कहोगे तुम जी तो हम भी जी गा से हैं गुजरात, सब अपन मुंह खोल खोल के नाम बतावे वाला, सब इतना बढ़िया राज्य मिलेगा, इनसे खाली बताओगे क्या नाम है जी, जी देखिए ना सर गा से गुजरात, इनसे पूछोगे आप जी, जी जी हम रस है सर राजस्थान, सब तो अपना नाम बतावे वाला राज्य है जी, चलो उधर बाज में आ जाइए, आ जाइए जल्दी से, हम सब टेस्टिंग पूरा कर लेते हैं कि हाँ एकदम उपकरण ठीक चल रहा है, चलिए आपको केवल हाथ रख देना है फटाफट, याद है ना, चलिए जल्दी बता दीजिए, वन वाली, जंगल वाली, जंगल वाली, हरियाणा, हरियाणा हरा भरा, ऊपर रहिएगा पेड़ ऊपर ना है, चलिए एक और बता दीजिए, मांडा, मांडा सीना, चलिए बैठ जाइए, चलिए देखिए बहुत अच्छा है, इतने यही चीज तुम लोग नहीं करता है, तुम लोग खाली फेयर करता है, लाल ब्लू कॉपी इतना मोटा याद एकदम नहीं, बस डेरा लिया कॉपी तैयार कर लिया, और जब कहेंगे हड़प्पा लिखल है सर, ठीक दिन रहेगा तो याद करें, पता ना कब याद करें, सब यही कर ठीक से, तुम लोग बिजी आदमी हम जानते हैं, घर में छुट्टी मिलेगा नहीं, जो करना है जो यही, तो बोलिए अब तो क्लियर है सबका ना, चलिए एक मानचित्र देखो, कई लड़के को ये भी दिक्कत आता है कि सर भारत का मानचित्र नहीं बना पाते, तो हम देखो तुमको साथ साथ लेके चलते हैं, तुम अपने कहोगे कि अरे इतना अच्छा भारत बना देते हमको आज मालूम चला है, चलिए नीचे हड़प्पा सभ्यता हेडिंग हो गया ना, नीचे हमारे साथ मानचित्र चलो, लेकिन आज टाइम हो गया ज्यादा, आज टाइम हो गया ज्यादा, फिजिक्स भी पढ़ना है, तो सुन लीजिए, अरे कोई बात नहीं धीरे धीरे, अगला दिन ये जान के छोड़ रहे हैं, अगला दिन फिर जब ये चलेगा परमानेंट हो जाएगा, घबराना नहीं, देखो ये एकदम फाउंडेशन क्लास है, इसमें एकदम मिजाज से, चूंकि 8 महीना पढ़ाना, तो 8 महीना में जो लड़के रेगुलर है उसको लगेगा कि जी एकदम फिट है, आ जाए केवल हड़प्पा से क्वेश्चन दिखा देते हैं, हो गया और थोड़े कुछ करना है तुम, चलिए फिजिक्स की ओर हम लोग शुरुआत करते हैं। बोला जाए उधर कोई लड़का एक दुख बात कर रहा था, हाँ बोलिए, तो लास्ट में पूछ लीजिएगा प्रश्न, जो क्वेश्चन रहेगा निकलते समय तो हम भेंट हो नहीं जाएंगे, चलिए इसमें हाँ बोलिए, नदी वाला, अरे नदी वाला खूब मिजाज से नदी चलेगा, अलग से फिर करेंगे स्थान और नदी, अब फिर एक एक करके चलेंगे, नहीं समझे, अभी तो खाली हल्का फुल्का कुछ टेलर है, धीरे धीरे नदी भी तो 15-16 को नदी चलेगा, वो सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ नदी सही होगी, चलिए हाँ बलूचिस्तान का तो सब ट्रिक्स हमें बताएंगे, अपना भी निकालेगा, चलिए आज आज जान के बलूचिस्तान छोड़े हैं, एक के दिन में ओवरलोड ना हो जाए, अगला दिन समूचा कॉपी में लिखाते लिखाते लगेगा कि अब एकदम ठीक हो, तब हम खुद 3 क्वेश्चन देंगे बिना चोरी बनाओगे, फिट हो गया, फिर इधर से दिक्कत नहीं, तब मेन काम होगा सामग्री, सामग्री कहां से क्या मिला, कहां सरसों के ढेर मिला, कहां धान के भूसी मिला, कहां से क्या मिला, इतना भूसा भूसी क्यों रटना है, क्योंकि इसका लिखा हुआ नहीं पड़ता, बाकी लेसन में भूसी भूसी नहीं रटना है, कई लड़का सोचता है कि इतना रटेंगे कहां से क्या मिला, तो केवल इस पाठ के लिए है क्योंकि इसका लिखा हुआ नहीं पड़े, तो इसके सामग्री से ही पूरा इतिहास है, इसीलिए हम लोग इसको खास, हम लोग पूरे सामग्री के साथ इसको,
हम लोग इतिहास में आज मेन अंतिम पाठ पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, इसके बाद सिर्फ एक पाठ आपका रहेगा भारत का इतिहास। भारत में राष्ट्रवाद जहां देख लोगे, इतिहास विषय पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप हेडिंग देंगे इसमें नए पाठ का, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद।